उन्नाव जनपद के पूर्व विधानसभा के लिए बड़ी सौगात देते पूर्व विधायक अनिल सिंह, दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली तक का सफर होगा आसान। पूर्व विधायक ने की बड़ी पहल, पूर्व विधायक पर चली बस, दिल्ली तक जाएगी आनंद विहार दिल्ली तक। कालूखेड़ा से दिल्ली के बीच शुरू हुई रोडवेज बस सेवा। आपको बता दें, असोहा ब्लॉक के गांव कालूखेड़ा से आनंद विहार के लिए बस सेवा चालू हो गई है। शुक्रवार को पूर्व विधायक अनिल सिंह ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस सेवा के शुरू होने से एक दर्जन ग्राम पंचायतों के करीब लगभग 50,000 आबादी को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह की मांग पर कालूखेड़ा से आनंद विहार दिल्ली के लिए परिवहन निगम ने बस का संचालन शुरू किया। इसी के बाद शुक्रवार को परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गिरीश चंद वर्मा की मौजूदगी में पूर्व विधायक ने कंचनपुर स्थित विधायक कार्यालय से दोपहर 2:30 बजे बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं बता दें, बस प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे कालूखेड़ा से दिल्ली और शाम 6 बजे आनंद विहार दिल्ली से कालूखेड़ा के लिए रवाना होगी। इसके लिए बस का किराया 764 रुपये तय किया गया है। विधायक ने कहा कि उक्त मार्ग पर बस का संचालन करने के लिए लगातार मांग की जा रही थी, जिस पर परिवहन मंत्री से बस संचालन के लिए कहा गया था। बस का संचालन होने से लोगों को सुविधा होगी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख आनंद गुप्ता, परिवहन निगम के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी उन्नाव हरि ओम सिंह, सुरेश सिंह, महेंद्र लोधी, अनिल विमल, नागेंद्र सिंह, साधु रावत, मनोज आदि लोग मौजूद रहे। कालूखेड़ा से दिल्ली तक जाने वाली रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते पूर्व विधायक अनिल सिंह,